कई लोग इतना दिमाग कैसे लगा लेते हैं समझना बेहद मुश्किल है। ऐसे ही दिमाग लगाया एक चाइनीज आदमी ने। उस बंदे ने एक फ्लाइट का फर्स्ट क्लास टिकट खरीदा जिसके साथ में वीआईपी लाउंज का एक्सेस और उसका खाना एब्सोल्युटली फ्री था। अब उस बंदे ने क्या किया, ध्यान से सुनेगा। वो सबसे पहले वीआईपी लाउंज गया, वहां पर फ्री का खाना खाया और उसके बाद अपनी टिकट को रीशेड्यूल करवा दिया। फिर से अगले दिन आया, फिर से वो वीआईपी लाउंज गया और वहाँ का फ्री का खाना खाया और उसके बाद उसी टिकट को फिर से रीशेड्यूल करवा दिया। और ऐसे करके उसने कम से कम 300 बार अपनी टिकट को रीशेड्यूल करवाया और 300 बार वीआईपी खाना फ्री में खाया। और हद तो तब हो गई जब उसने उस टिकट को फाइनली कैंसिल करवा दिया और उसको सारा का सारा अमाउंट रिफंड मिल गया। हद हो गई गाइस। आपको इस बंदे के दिमाग के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। स्वस्थ और लंबा जीवन जीना है तो उसके लिए तिब्बतियों की कहावत सुनिए। तिब्बतियों के अनुसार अगर आपको हेल्दी और लॉन्ग लाइफ चाहिए तो उसके लिए आपको दिन भर में जितनी जरूरत हो उसका सिर्फ आधा ही खाना चाहिए। खाना खाने के बाद आपको दुगना यानी कि डबल घूमना चाहिए। पूरे दिन भर में 3 गुना हंसना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया में हर किसी से अनगिनत प्यार करना चाहिए। अगर आप ये सारे काम करते हो तो आप हमेशा खुश रहोगे और लंबा जीवन जियोगे। गाइस, आपको तिब्बतियों की कहावत कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जिंदगी में अभी तक कितने पौधे लगाए हैं, 1, 2, 5 या 10? लेकिन तेलंगाना के दरीपली रमैया जी ने अपनी जिंदगी में अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए हैं। जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा पौधे। उनमें पौधे लगाने की लगन इतनी ज्यादा थी कि इसके लिए उन्होंने अपनी 3 एकड़ की जमीन तक बेच दी थी। पहले लोग उन्हें पागल कहते थे लेकिन आज उन्हें लोग सम्मान से द ट्री मैन कहते हैं। और इसी वजह से सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा है। गाइज, आपको दरीपली जी के बारे में सुनकर कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोज के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो। घटी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब 1945 में जापान में एक लड़का अपने छोटे भाई की डेड बॉडी को अपनी पीठ पे लादकर उसके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा था। अपने छोटे भाई की मौत के बाद उसे रोना आ रहा था लेकिन अपने होठों को काटकर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था। तभी एक गार्ड ने उस लड़के से कहा कि तुम ये भार मुझे क्यों नहीं दे देते। तो उसके बाद जो लड़के ने जवाब दिया वो जापान में इतिहास बन गया। उस लड़के ने कहा कि ये कोई सामान नहीं है, ये मेरा भाई है। और आज भी ये पिक्चर जापान में सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ के नाम से जानी जाती है। गाइस, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो। ओलंपिक 2020 में 12 साल बाद इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पर पैसों की बारिश तो हो ही रही है लेकिन इसके अलावा उनकी ब्रांड वैल्यू भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना कोई छोटी बात नहीं होती और अपने इसी एक गोल्ड मेडल के दम पे आज नीरज चोपड़ा विराट कोहली को भी टक्कर दे रहे हैं। गाइस, नीरज चोपड़ा इंडिया के पहले ऐसे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं जिन्हें गैटोरेट पेप्सिको का एंडोर्समेंट मिला है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें एंडोर्समेंट के लिए अप्रोच कर रही हैं। इससे तो एक कहावत याद आती है कि अगर आप अच्छा भागोगे तो लोग आपको जूते भी देंगे, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि आप मुझे जूते दो फिर मैं अच्छा भागूंगा तो लोग आपको कुछ भी नहीं देंगे। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि मेहनत करो और अपने दम पर वो सब चीजें पाओ जो आप चाहते हो। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, कुछ खाने पीने की चीजों को लेके काफी ज्यादा मिथ है, चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, ऐसा आपने बार बार सुना होगा कि हर दिन एक सेब खाने से आप डॉक्टर से दूर रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सेब खाने से आपको विटामिन सी और फाइबर की पूर्ति जरूर हो सकती है लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी को चाहिए रहते हैं जो कि सेब में नहीं होते, तो सेब अकेला इसकी पूर्ति नहीं कर सकता। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि बरसात में अगर आप दही खाते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं लेकिन यह भी गलत है। दही में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके गट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, इसलिए यह भी एक मिथी है। गाइस, आपको दोनों फैक्ट कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग हेल्थ वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो। सफलता ऐसे नहीं मिल जाती, उसके लिए बहुत सी चीजों को जानना और समझना पड़ता है। उन्हीं में से 3 चीजें आज मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, सबसे पहले सफलता पाने के लिए आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में वो चीज आपको नहीं मिलती जो आप चाहते हो बल्कि वो चीज मिलती है जो आप हो। दूसरा, OQP का प्रयास जरूर करो,
OQP क्या है? Only Quality People. अपने आप को सिर्फ क्वालिटी लोगों के साथ सराउंडेड रखो। और तीसरा, अगर आप वाकई में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ठीक करो, क्योंकि जब आप मुंह खोलते हो तो आप दुनिया को बताते हो कि आप क्या हो। गाइस, ये तीन चीजें आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।